आपका दोस्त राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ हांसी की आवाज मीडिया पर। आज हम एक ऐसे मौजू के लिए आए हैं, एक ऐसे मैदान में खड़े हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है, PCHD स्कूल का मैदान। ना जाने इसने कितने खिलाड़ी दिए, कितने IAS ऑफिसर दिए, कितने डॉक्टर्स दिए, लेकिन इस मैदान की ये सूंधी माटी होम सिकनेस के कारण खींच लाती है, चाहे बॉम्बे रहता हो, चाहे दिल्ली रहता हो, या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हो। इस मैदान ने बहुत से क्रिकेटर भी दिए हैं। क्रिकेट का नाम हम एक हिंदी भाषा में बोलते हैं कि काट की पट्टी का पर ले पटापट दे पटापट, ऐसे हुआ हाँ इस PCHD ग्राउंड में। लीजेंड क्रिकेटर्स ऑफ द हांसी यानी कि एक सेकेंड टूर्नामेंट है। ये क्यों करवाया जाता है? ये क्रिकेट की शौक पूरा करने के लिए नहीं, आपस में अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। मैं देख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ पृष्ठभूमि में, बिल्कुल सामने मेरे खड़े हैं पुराने क्रिकेटर्स जिन्होंने लाल लेदर की बाल से क्रिकेट खेला है। उम्र दराज हो गए, अब कास्को की बाल से खेलते हैं। ऐसा क्यों? इनसे ही जानते हैं कि क्या इनके परक्रम थक गए हैं, क्या इनकी यादें अपनी ताज़ा करने के लिए ग्राउंड पे आते हैं। ये ऐसे क्रिकेटर हैं। मेरे सामने मेरे बड़े भाई रामनिवास शर्मा जी, दीखा जी जो बैंक में अधिकारी थे, मैंने इनको देखा है, विकेट कीपिंग करते हुए देखा है, एक बड़े स्कोरर रहे हैं, हमेशा कॉपी पर लिखते हुए देखा है मिस्टर बंसल को। और ना जाने वो कहा है अभी अप्पू भाई कहाँ है, वो पीछे पीछे ये अप्पू भाई इनका थोड़ा सा पेट का दायरा बढ़ गया है, लेकिन ये बहुत लाइक ग्लांस जब करते थे तो माशाल्लाह इनके स्टेट में सीधा शॉट जाता था, जो यानी कि पीछे ऑन लॉन वाला भी, लॉन्ग बाउंड वाला भी नहीं पकड़ पाता था, कोई ऑफ में मारता था ड्राइव, कोई लेग में मारता था ड्राइव। मुझे क्रिकेट की भाषा नहीं जानता, लेकिन सब इन चेहरों को जरूर जानता हूँ, इन बबलू शर्मा के चेहरों को जरूर जानता हूँ, जिन्होंने एक अच्छा क्रिकेटर बच्चा भी दिया है अपने घर से, जो रणजी खेला है, दिल्ली से खेला है। ऐसे न जाने कितने ये सारे होम सिकनेस। गुप्ता जी, गुप्ता जी खास कर मेरे साथ खड़े हैं सामने, इनको मैंने देखा है, ये GFCC क्लब। हाँ हाँ, बताइए कौन सी क्लब थी आपकी? GFCC क्लब। GFCC आप बहुत खेले? बहुत खेले, बहुत खेले, क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा। और इतना लगाव क्यों है इस ग्राउंड से? आप शुरुआत यहीं से करिए क्रिकेट खेलने की, 15 साल यहाँ गुजारे हैं क्रिकेट खेलते, स्पोर्ट्समैनशिप से बहुत कुछ। आप तो हासिल से बिलोंग करते हैं, सुका का भाई। लिखा जी आप बैंक अधिकारी रहे हैं, मैंने देखा है आपकी आज भी उस चित परिचित स्माइल को, आपके 32 के 32 दांत। अरे खुश रहे तो चेहरे पे होना क्या है? तो ये क्या आपका क्रिकेट के बाद कैसे कैसे खेच लेके आता है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, ताजे ताजे हो रही है हमारी सबकी, सबके मतलब नए चेहरे, कुछ तो भूल गए थे हम, लेकिन आज जो है सब याद आ रहा है और जो है बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी कहूँ, ये इनको स्पोर्ट्समैन भी कहूँ, स्पोर्ट्स पर्सन भी कहूँ, रामनिवास शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वॉलीबॉल के बहुत बढ़िया प्लेयर होते थे, क्रिकेट में पता नहीं ना क्या लीड किया नहीं किया मैंने, लेकिन वॉलीबॉल बहुत बढ़िया खेलते रहे, मैंने इनको देखा है। क्रिकेट के अपने सहसंबंध खुद ही बताइएगा, आप कहाँ की फील्डिंग करते थे, आपको एक्स्ट्रा में रखते थे? जिस आपने संसदीय शब्द का प्रयोग किया उसमें जो करने वाला वो खुद नहीं देखता, पीछे जो रह जाते वो देखते हैं, वही उठाते हैं। ठीक है कि भी मैं तो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, मैंने पहले ही कहा था कि कौन लीड करता है और कौन लीड करता है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, कि शायद क्योंकि मैं तो आबदार के तौर पे यहाँ आता हूँगा, दर्शक के तौर पे यहाँ आता हूँगा, लीड भी उठाने का काम क्यों होगा, क्योंकि लीड उठाना एक स्पोर्ट्समैन का ही तो काम होता है शर्मा जी। स्पोर्ट्समैन सीक्रेट की जिसमें आदत हो तो वो ग्राउंड से लीड भी उठाता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितेश सिंगला है, मैं जीन से हूँ। हाँ, और मैंने हासी में 28-30 साल पहले लगभग बहुत क्रिकेट खेला है। हाँ, और आज पुराने साथियों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ, तो कैसा लगता है इस ग्राउंड पे, इस पृष्ठभूमि पे आप बहुत खेले होंगे? बहुत बहुत क्रिकेट खेला हूँ मैं यहाँ पर। हाँ सर, आप तो वो तो चलो जैसी बात, यहाँ इस आयोजन की जो बातें हैं उस आयोजन से सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पुराने साथी भी मिले हैं, जो नए बच्चे जगह जगह जाके आपके मुताबिक जैसे आपने अभी भूमिका में बताया, जो आपने नए बच्चे जहाँ जा रहे हैं उनसे दोबारा परिचय होता है, कच्ची चीजें संस्मरण में आती हैं, और जो बात यहाँ भूल गए हैं हम, हमारे जिक्र कर रहा था कृष्ण खाने वाले जी, इसी क्षेत्र से बड़े लगाव के साथ थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे उनकी, हालांकि पार्टिकुलर एक टीम भी थी लेकिन वो सबके थे, और ऐसे सज्जन लोग जो समुदाय से कैली कैली सामाजिक चिंतन के माध्यम से रहते हैं उनका बड़ा योगदान था, और एक प्रेरणा थी आने वाले पीढ़ी के लिए।
आने वाली पीढ़ी की वो प्रेरणा थी, जो आपस में भाईचारा बना रहे, इसका ये प्रयास किया जी। इनका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, छोटू के नाम से इनको जानते हैं, छोटू ही ठीक है। इनका नाम है आर श्याम, राधे श्याम को जब नाम लेंगे तो ऐसा लगेगा कि भी हम 80 साल के बाद मान भी रहे और राधे श्याम हाँ वही कह रहा हूँ 80 साल के बुजुर्ग का, मेरे पिताश्री का भी नाम है लेकिन मैं छोटू राजेश नाम है, राजेश नाम है। राजेश जी, आपकी इस ग्राउंड से, इस पूरे प्ले ग्राउंड से, मैदान से क्या आपकी पुराने दोस्तों से मिलने का एक बेहतरीन मौका दिया ये हमारा। क्या बात है भाटिया जी, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया। सुनाइएगा, आपकी भी यादें इस ग्राउंड से जुड़ी होंगी। मैंने अभी एक बात बोली थी सर के, परिंदा आशियाना चाहता है, सफर से लौट जाना चाहता है, मेरे स्कूल की फिर कोई वो घंटी बजा दे, ये बच्चा फिर से मुस्कुराना चाहता है। और इसको पूरा कर दूं मैं जी, आरजू के डंडे खाना चाहता है। बिल्कुल सही याद रहा है, बिल्कुल सही याद। आरजू साहब एक ऐसे शख्सियत रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन की, शिक्षण संस्थान की, जिनका डंडा एक पड़ता था तो सीधा कलेक्टर बनता। बिल्कुल दुरुस्त, तो ऐसे ना जाने, यहाँ से एक वो कलेक्टर भी बने हैं यहाँ के, मैं नाम मुझे अभी मेरे तस्वीर में मेरा क्लासमेट जज बना है सर। हाँ, जज बना है नरेंद्र। तो ऐसे टीचर्स मुझे नहीं लगता यहाँ टीचर्स भी होंगे, यहाँ टीचर्स खड़े हैं क्या, ऐसी यानी कि भावनाएं ऐसी सीक्रेट आज भी टीचर्स में है कि जो अपने बच्चों को इस तरह नरेट करते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं? बिल्कुल, स्पोर्ट्स में भी रुचि लेते हैं? बिल्कुल स्पोर्ट्स में रुचि। आप भी आरजू साहब के? हाँ, मैं आरजू साहब का स्टूडेंट रहा हूँ, और ये जो प्रोग्राम हुआ है आज से 2-3 साल पहले जब हम मिलते थे सभी, फिर भी दोस्त बोलते थे भाई एक बार हम सभी इकट्ठा हो जाएं, ये दूसरा है आपका, तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके लिए हमारी जो वर्किंग कमेटी है यार लगाइए, प्रयास तो सभी का है, संजय बंसल है, नरेंद्र जैन है, रोहतास है, नीरज भाई है, सब हमने 2 साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ा, और उसके बाद ये दूसरा प्रयास है हमारा। हमें बहुत खुशी है कि आज इतने लोग हमारे, मुझे भी बराबर आपके साथ मिलकर बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ जी गोल साहब बताइए, ग्राउंड से तो आप तो अभी भी इससे जुड़े हुए हैं बराबर, अभी देख रहा हूँ। हमें आए यहाँ पे 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, और मुझे नहीं लग रहा किसी को अपने मोबाइल की याद आई है, अदरवाइज हम 2 से 3 मिनट में अपना नेट ऑन करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। अभी से 4-5 घंटे से किसी ने अपना मोबाइल नहीं चलाया है, ना किसी को याद आई है। ये जो मौका है वो आने वाली पीढ़ियों को नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, सारा फोबिया दूर हो गया है। अरे साहब क्या बात है, आपको तो हमने बहुत देखा है, आप बहुत अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं। बताइए अपने और मैं मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ, उनको 8 साल वैसे ही। हमारा पिछले 2-3 साल पहले हमारे प्रोग्राम बना था कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम अपने पुराने साथियों को फिर से मिला सके, एक दूसरे से मिलने का मौका दे सके, तो उसमें हम कामयाब रहे पिछले साल ही हमने प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, मैं आता हूँ एक विक्की जी, विक्की मैंने इनको देखा है, मैं इनसे बड़ा हूँ उम्र में, बेशक से मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, और बड़े यानी कि शॉट मारते थे, सीधा लॉन्ग ऑन पे मारते थे, सीधा स्ट्रेट यानी कि बैठ जाता था, जो हमेशा कोच जब बोलता है तो स्ट्रेट बैट लेके आइए, तो आपका वो स्ट्रेट बैट हमने देखा। बताइए आप दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ? क्या पहली बार? पहली बार आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, हमने तो आपको बहुत दुबला पतला देखा, ऐसे हुआ करते थे, असल से दूसरी भी होती थी, थोड़ी होती थी, लेकिन अब ज्यादा हुआ ही है। कैसा लगता है अपने मित्रों के बीच में? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इंस्टीट्यूशन के आप नीरज बंसल जी, जो इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट हैं, और जिनके फोर फादर्स ने, जिनके इंसेस्टर्स ने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया, जुड़ी हुई है, तो आपके इसी प्ले ग्राउंड के अंदर हम सब खड़े हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? नीरज जी आप दिल्ली से? बहुत बढ़िया लग रहा है आज, बहुत ही आनंद आ रहा है सभी पुराने भाइयों से मिलके, जिनसे मैं 25-25-30-30 साल बाद मिल रहे हैं, कई उनसे तो ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, और वाकई जो है ना, एक पिछले साल भी आने का प्रॉब्लम था, लेकिन बस वो हमारा मिक्की भाई थोड़ा बीमार हो गया था,
तो आ नहीं पाए, लेकिन अब की बार ये था भी जरूर आना है भाइयों से मिलना। आगे तो आए थे मेरे, हाँ आगे आए थे, आज ठाठी हो रहा है। भूमिका में नहीं आप जी, आज सिर्फ स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्समैन क्योंकि मेरे साथी और कुछ मेरे चाचा के साथ खेले हुए, जी जी नरेश राणा के साथ खेले हुए, वो सब यहाँ हैं। तो एक प्रेम पूर्वक एक संदेश मिला मुझे कि भाई सारे क्रिकेटर जो हमारे राणा के भतीजे जोगिंदर जी के लड़के हो जी, अरे क्या बात है यार, तुम बहुत दुबला पतला होता था, पुलिस की दाल काम आ गई। एक्चुअल मेरा गेम बंद हो चुका है 3-4 साल से, फुटबॉलर भी रहे हैं, पिता पुत्र को मैंने दोनों को देखा था, आपके कमेंट 2 साल पहले पिताजी का देहांत हो चुका है, तो वरना वो भी शायद आज हमारे बीच होते यहाँ, क्योंकि उनके अंदर स्पोर्ट्स की कुछ ज्यादा थी। आप बने रहिएगा इसी तरह, आपकी यादें भी ऐसे बनी रहे हैं मेरे साथ, बिल्कुल शर्मा जी मेरे मित्र जो हैं, जरा बताइए साहब आपने तो फ्रेंड्स कर रखा है, क्या बात है, क्या बात है, हाँ पवा साहब जी बताओ, बहुत बढ़िया, ये जग्गू भाई की देन है, चेहरा रहता है, आप तो पुराने जानते हैं, और ये सारा श्रेय जाता है बंटी, सॉरी हाँ बंटी फंसल और जग्गू भाई और जाऊ, वो एक ही बात है, और इस स्कूल में मैंने 6ठी से 10वीं तक पढ़ाई भी की है, और यहाँ खेले इनके साथ, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है रोज ही खेले। एक बप्पी चाय वाला है जिससे भी हम बात करेंगे, हमारा अजीज है, आप हर ऐसे इवेंट में चाय बनाते हैं जाके, हाँ जी लोगों को, ऐसा ना हो कि कभी आप प्रधानमंत्री बन जाए चाय वाला, प्रधानमंत्री की तो अपनी ख्वाहिश को नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इनको जो चाय है मेरी अच्छी लगती है, 2 महीने पहले ही ना मुंबई को बुक किया था इनके माध्यम से, जो मैं आसिफ शुक्रिया शुक्रिया साहब, हम आपको वो स्कोर बोर्ड यानी बुक दिखाते हैं, 30 साल पुरानी, ये 30 साल पुरानी स्कोर बुक है जिसपे मेरे हाथ की स्कोरिंग है, इसपे बकायदा उस टाइम का 25/11/1990 के टाइम की स्कोरिंग है, आज 24/11/2019 है, आज 24/11/2019 यानी कितनी पुराने यादें हैं, ये कितनी पुराने यादों को संजोना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम और गुरु गंभीर कार्य होता है, और साधुवाद देता हूं मैं इन सभी क्रिकेटर्स को जो यहां आज मौजूद हैं, तो इतना ही कहूंगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, आप इसी तरह आबाद रहें, और इसी पृष्ठभूमि को और इसी यानी कि PCSD स्कूल में जहां मैंने भी 3 साल गुजारे हैं, लेकिन मैं क्रिकेटर कभी नहीं रहा, स्पोर्ट्समैन कभी नहीं रहा, लेकिन इनको देखता जरूर रहा हूं, तो इनकी यादें हमेशा बनी रहें इस ग्राउंड के साथ, इस धरा के साथ, इस मैदान के साथ, ये दूसरी बार यहां सब पहुंचे हैं, तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ मेरे मीडिया पर आने का, ये सभी का, और आप इसी तरह रौनक बनी रहे, हर साल इसी तरह टूर्नामेंट करें, और ये टूर्नामेंट दिव्यांग जनों के लिए उनकी सहायतार्थ किया जा रहा है, जो भी धनराशि यहाँ कलेक्ट होगी तो दिव्यांग जनों को यानी कि उनको बांट दी जाएगी, उनकी भली के लिए, उनकी भलाई के लिए या उनकी सहायता के लिए, ऐसा इनका एक लक्ष्य भी है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ और बने रहिएगा, लेकिन आप लोगों से एक वादा चाहता हूँ कि आप हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार स्पोर्ट्समैन वगैरह इंटरटेनिंग प्रोग्राम आप देते रहेंगे, चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, बने रहिएगा, नमस्कार।